वो क्या बोल रही है? मिट्टी भरूंगी पानी लेकर, मिट्टी भरूंगी मिट्टी। नहीं आ रहा वो दाढ़ी। ओए 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 दाढ़ी मत खींच। नहीं जुली, गंदी बात, गंदी बात। नहीं नहीं नहीं, ओए छोड़ इसको, ओए छोड़, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। छोड़ जुली, ओए छोड़, मैं तेरी उंगली खाऊंगा। ये कुछ कुछ कंपनी कौन सी, मैं तो बोली भी नहीं जाती इससे। कंपनी कौन सी? एम्पोरियो अर्मानी। अरमानी सब गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। भाई मैं अभी ऑफिस से आ गया और अभी मैं जा रहा हूँ जिम। मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा सुहाना, लग रहा है कि मॉनसून आने वाले, लेकिन मॉनसून नहीं आएगा। आज मेरे ऑफिस का आखिरी दिन, नॉट आखिरी दिन की मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, बिकॉज मेरे दो दिन की छुट्टी आ रही है। कल संडे, कल की छुट्टी और फिर मंडे, फिर दो दिन, मतलब दो दिन छुट्टी है। तो भाई साहब दो दिन छुट्टी, मैं तो मतलब सोच सोच के इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो जॉब पर्सन है वही समझ सकता है कि छुट्टी उसके लिए कितना मैटर करती है। भाई छुट्टी इज इक्वल टू लाइक अमृत। और जो लोग इस चैनल पर नए, फटाफट जाकर लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे भाई के चैनल को, जब तक मैं जाता हूँ जिम। और तुम ये काम कर लो, कुछ नहीं करना, एक लाल कलर का बटन होगा उसको दबा दो और घंटी दबा दो और लाइक करो। यार अभी इतना गंदा चुतिया पे हो गया, अभी मैं जिम पहुँचाऊँ। मैं उससे पहले जिम आया था, लेकिन उससे पहले मेरे को आर्यन पकड़ के ले गया साथ में, बिकॉज मेरे को बहुत अर्जेंट काम से थाने जाना पड़ गया। और भाई बस पूछो मत, इतना गंदा ट्रेजेडी हो गई। बस मेरा तो सच में ऐसा हो गया था कि वर्कआउट होगा ही नहीं आज का, तो वर्कआउट होगा ही नहीं आज वाला, वर्कआउट मेरे को कल ही करना पड़ेगा। लेकिन बाय गॉड ग्रेस सब कुछ अच्छा हुआ, थाने गया, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सही हो गई। भाई खोल दो यार, चाबी अभी कहाँ निकालूँ, खोल, अब जाके वर्कआउट फिर से स्टार्ट करूँगा। अभी मैं नंदी भैया के पास में जा रहा हूँ, बिकॉज जब मैं थाने में था तो उनका नंदी भैया का फ़ोन आया था कि वो हॉस्पिटल, मतलब उनको हॉस्पिटल जाना है कुछ काम से, उनको उनके कुछ इशू हो गया, लेकिन बिकॉज आई वॉज बिजी मैं नहीं जा सका। तो सका तो अभी उनके पास में जा रहा हूँ, बेरा लेके आ रहा हूँ, मतलब उनके हालचाल पूछ के आ रहा हूँ हुआ क्या, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं करी, आई वॉज बिजी। क्या हो गया, क्या हो गया, हैं क्या हाल है? बस बढ़िया, बढ़िया यार। शर्ट भाई साहब एक नंबर लग गया, क्या बात है, क्या हुआ, हुआ क्या? गेट बंद करने, तो हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी, नहीं तो फिर जलाओ जलाओ जलाओ, शो ऑफ करो अपने ऑफिस का। सही बात है, क्या हो गया भाई? मैं तो आपकी कसम डर गया थोड़ा सा मैं यार, इतने टाइम बाद नंदू भैया का फ़ोन आया, कुछ हो गया क्या, सिस्टम हो गया? रिपोर्ट है नॉर्मल है। नहीं हुआ क्या? तो एक कोई छोटा सा कोई पीछे कोई गार्ड वार्ड हो गया नीचे लोअर बैक में, पीछे लोअर बैक में, पीछे लेट्स में हो गई, मतलब गांठ हो गई। तो ट्रेनर को बोलो सालों में को ये झूठे मूठे सप्लीमेंट देना बंद करो, कुछ भी दे दे दो, फालतू में ट्रेनर के चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कैसे कर रहे हो दोबारे गाना? नहीं नहीं इसको पीनट बटर इसके ऊपर लगाओ, केले के ऊपर, मतलब ये मैंने पहली बार देखा ये वाला कॉम्बो, ब्रेड वगैरह पे लगा के चलो ठीक है, लेकिन ऐसे देखो, ओह देखो तो उसमें मतलब हद है यार। तो बोला कि यार इसको निकलवा लो, इतनी डाइट फॉलो करते, पीनट बटर, बनाना, प्री वर्कआउट, दिस दिस प्रोटीन, मल्टीविटामिंस, फक फक पता नहीं बहन जो क्या क्या लेते हैं। आपकी सोगन में वे प्रोटीन के अलावा ऊपर कुछ भी लेता, लेकिन भैया आपकी बॉडी कहाँ जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा। भाई तेरे को कुछ काम नहीं है क्या, रोज होके यहाँ पे आ जाती है? हैं कब आई तू यहाँ पे? मैं दो दिन हो गया आते आते मेरे को, भैया मैं दो दिन बाद आया हूँ, जो काम मैंने दो दिन पहले देखा था वही काम मेरे को अभी तक भी लग रहा है। और अब जब मैंने लेबर से बात करी तो बोलते हैं कि भैया हम लोग उसके ईद के बाद चालू करेंगे काम। हाँ तू बोल, तू बोल। मिट्टी भरेगी पानी लेके आऊँ? कहाँ भरेगी मिट्टी? उधर किधर? उधर भरूंगी, उधर जाओ। क्या हुआ? पानी लेकर आ जाओ, पानी अपन बाद में लेके आएंगे। जूली एक बात बता, तू यहाँ पे दो दिनों से आ रही है, तेरे को कोई काम नज़र नहीं आ रहा? वो दाढ़ी, ओए 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 दाढ़ी मत खींच। नहीं जूली, गंदी बात, गंदी बात। नहीं नहीं नहीं, ओए छोड़ इसको, ओए छोड़, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। छोड़ जूली, ओए छोड़, मैं तेरी उंगली खाऊंगा। ये कुछ कुछ अब छोड़ दी ना, नहीं खाई क्या? नहीं खाई भाई, दो दिन छोड़ दे यार। नहीं मैं दो दिन बाद आ रहा हूँ, काम उतना का उतना ही। जूली तू बता, तू दो दिनों से आ रही है, तूने क्या काम देखा यहाँ पे? आपने क्या पहन लिया? साकड़ पहन तुझे पहना है जूली? बेटा मैंने तेरे को पहना था सबसे पहले, अब छोड़ दे। नहीं जूली नहीं, गंदी बात, छोड़ दे इसको, रहन दे इसको। चाचू तेरे लिए नहीं लेके आएगा जूली, है ना, नहीं लेके आएगा ये वाली चाचू को पहने दे।
क्योंकि मेरे को भी इतनी आदत पड़ गई कि मैं हर छोटी से लेकर बड़ी चीज सारी की सारी देखता हूँ। बिकॉज एंड मौके पे जब ये हो जाता है ना, छोटे छोटे काम के लिए कोई नहीं आता, तो बेटर है जब तुम्हारी साइड का काम चल रहा हो उसी टाइम सारे काम करवा लो, तो हो भी जाता है आराम से, भी होगा सारा माल मटेरियल रहता है और कोई फिर बाद में चीज़ भी नहीं होती। तो जब साइड चल रही हो तब करवा लो, बाद में फिर होते रहेंगे, बाद में पड़े रहता है, कोई नहीं करता काम। तुमको आता नहीं लेबर इस काम को, एक छोटे से काम के लिए आती नहीं है, बात इतनी सी है। इसलिए मैं हमेशा जो भी मेरी साइड होती है उस पर पूरा का पूरा इंस्पेक्शन लेता हूँ, जो भी छोटा मोटा काम है हाथ पाथ उसी टाइम करवाता हूँ, वरना बाद में कोई नहीं करता। देखिए ये बना था लेकिन ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, बिकॉज अभी जो लोहा है ये जब ऊपर नीचे आया था तो उस वजह से टूट गया हुआ। ये आखिरकार तक याद नहीं आएगा, छोटा सा काम आखिरकार तक याद नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ें और ऐसी चीज़ें और ऐसी चीज़ें भाई और भी होती हैं, मतलब काफ़ी होती हैं भाई। सारे काम काज से फ्री हो गया, अब जा रहा हूँ मैं काली हनुमान जी के, आज सैटरडे जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों भाई सैटरडे आते ही ना मेरा दिल ऐसा करता है, ओहो क्या दिन आया है भाई आज, मज़े आ गए। अब दिव्या को पटक के और सीधे चलेंगे काली हनुमान जी के। और भाई मेरे को तो जब भी काली हनुमान जाता हूँ ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है, वो अंकल का जो नींबू पानी आता है ना, सोडा नींबू पानी, भाई साहब वो एक नंबर होता है। मैंने तो ठान लिया अब जब भी जाता हूँ ना वो पी के आता हूँ भाई मैं। नहीं तो उसको खोल, निकाल इसको, पहले घड़ी दिखा। भाई कंपनी कौन सी, मैं तो बोली भी नहीं जाती इससे कंपनी। कौन सी? एम्पोरियो अर्मानी। अर्मानी, मैं कभी कभी अर्मानी को अंबानी बोल देता हूँ। दिखा ना भाई एक बार, ढंग से दिखा, अच्छी तरह पहन के दिखा एक बार, वैसे इस पर सूट भी करेगी। हम लोग काले हनुमान जा रहे थे लेकिन इसके घर पर कोई गेस्ट आ गए, उस वजह से मेरे को भी रुकना पड़ा यहाँ पे। अब वो गए हैं, अब हम जाएंगे, लेकिन अब इस महाराणा को कुछ काम आ गया, अब ये वो काम करने के लिए रुक गई और हमको अब आते आते इतना लेट हो जाएगी, पुलिस चेकिंग चालू हो जाएगी सीधी। चलें। अरे वो घड़ी तो ले गया, वो तो दिखाई नहीं, वैसे दिखा तो दी थी लेकिन भाई तुम मेरे को गैस करके बताना, तुम क्या गैस करो मैं बता देता हूँ। वो घड़ी मेरी औकात से बाहर है, इसके औकात के अंदर 24,000 की घड़ी है भाई वो, मतलब मैं तो क्या ही बताऊँ, इतनी महंगी घड़ी। तेरे को पता है मैंने मेरी लाइफ की सबसे महंगी घड़ी कितने की ली थी? घड़ी 5,000 की ली थी, वो भी मैंने 5,000 रुपये मेरे मामा जी के लड़के से उधार मांगे थे, 6 महीने में उसको वापस दिए थे भाई मैंने, सच में 6 महीने में उसको वापस दिए थे। देखो जो इसने बोला ना मैं बीप कर दूंगा, इसने बहुत अवैध चीज़ बोली है जिसको मैं कतई नहीं चाहता रिवील हो, बहुत गंदी चीज़ बोली है, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ, तेरी कसम सच में टाइटन की थी ना, 5,000 की ली थी और मैंने मेरे मामा जी के लड़के से पैसे उधार लिए थे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें बोली, गंदी गंदी चीज़ें मेरे ब्लॉग में डिस्कस मत किया करो, तो कोई अच्छी अच्छी चीज़ कर दो। तो अब तेरे बर्थडे पे कितना बिल आया था? चलो रे यार तुम लोग चलो, तुम गेट वेट बंद कर, चल आ जा। और ये वाला बंद किया तूने? यहाँ से चलना है सर भाई, एसी बंद कर दियो तू भाई। कुत्ता है जो आज से 5 साल पहले मेरे पीछे पड़ा था, जब मैं कुन्नू के घर पे मिलने आता था, तुम लोग यहाँ पे मिलते थे इस जगह पहले, मतलब शुरू शुरू मिले थे तुम लोग, अंदर नहीं जाते थे, यहीं पे मिलते थे। ये वो कुत्ता है जो मेरे पीछे पड़ा था और मैं भाई दूध वाले के पीछे बैठ के गया था। वाइब कब बनती है? जब दोनों दोस्त यहाँ पे हरियाणवी गाने सुन रहे हो। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा ना, कॉपीराइट आएगा, इस पे भी आ सकता है वैसे कॉपीराइट, दोनों वाइब मैच कर रहे हैं। अभी तक तो आरती भी चालू नहीं है, मैं तो सब पट खुले मिलेंगे अपन को, आज भी हम काफ़ी जल्दी आ गए इतना लेट करते करते भी। जय काली हनुमान जी की। भजन कीर्तन चल रहे थे क्या? यार दरी वरी लगी हुई है आज तो। गाइस जन विद दर्शन, मैंने कुन्नू को मेरी वाली चीज़ पिलाई नींबू सोडा, जो कि पीने में बहुत ज़्यादा भाई, तो मेरी तो चॉइस ही थी मेरी वाली चीज़ पिलाई मैंने इसको जो कि बहुत मतलब जो मैं हमेशा पीता हूँ बहुत अच्छी थी नहीं अगर तू उसको वैसे भी दे जैसे मीनी मतलब मैंने पी थी बहुत सारी फैल रही थी उसमें अरे वो दिख रहा था फैलती नहीं वो भाई उतनी भाई मतलब नो डाउट बहुत प्यारी चीज़ आती है और ऐसे टटफुंजे दोबारा साले हवा महल में दिख गए, मेरे को बड़े गुस्सा आता, बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हवा महल में देखे ने, मतलब भयंकर जल मैल यहाँ सीधे जाते हैं। और यार तू बेल्ट लगा ले, पिछली बार पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। हाँ सॉरी जल भाई, मैं तो यार मेरे को इतना ध्यान नहीं था ना, एक जल मैल इस तरफ, अब ये अपनी चॉइस की चीज़ खिला रही है जो कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जल मैल के वहाँ पे मिलती है पता नहीं क्या है। तो मेरी वाली जो चीज़ थी वो तो भाई नो डाउट लाजवाब थी, इसकी वाली मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी होती है।
यहाँ पे जब तू जाएगी ना तो लापता देख कर तो ये व्लॉग बनाना शुरू हो जाएगा। इतनी दिखती इतनी टेम्पटिंग है वो। भाई यार मैं 20 रुपए का सोडा पिया उसमें व्लॉग खोल लिया, इसकी तो बहुत महंगी डिश होगी। अपन तो सीधी बात है, अपन काम वाम कुछ नहीं भाई, अपन तो भाई मतलब अपन वो काम करने वाले बेरोजगार इंसान है। हाँ सीधे, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे काम करके भी बेरोजगार होते हैं, ऐसे तू समझ तो बात तो को। मैं मेरा बहुत साधारण, मैं तेरे को बताऊँ जब मेरे पापा 1992 में यहाँ पे आए थे ना, उनकी पहली पोस्टिंग यहाँ पे थी इस जगह यहाँ पर। हाँ 1992 तो पहले उतना ये सब थोड़ी था, तो घर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो रहते उस तरफ ही थे, लेकिन पोस्टिंग यहाँ पे थी। 1992 की बात है। फिर मेरे पापा 2000 में यहाँ से ट्रांसफर हो गए, फिर वो चले गए करौली, फिर वहाँ से 2004 में दोबारा यहाँ पे आए थे। 1992 से 2000 यहाँ पे रहते। भाई साहब इतने दंगे फसाद हुए थे, मतलब मेरे पापा ने एक स्टोरी बताई थी मेरे को, जब यहाँ पे दंगे फसाद हुए थे ना भाई साहब, मतलब लिटरली हुए थे। भाई ना भी कन्फ्यूजन है मेरे को कि मैं उसको ऐसे यूट्यूब पर बताऊँ कि नहीं बताऊँ, लेकिन हाँ मैं नहीं बताऊँ, बिकॉज भाई बहुत बुरी वाली हालत हुई थी। जब पापा ने मेरे को बताया था ना, लिटरली मैं इमेजिन भी नहीं कर पाया था, इतना गंदा था। चल बता, मैं इसको बता दूंगा, यूट्यूब पे नहीं बताऊँगा भाई। अरे बहुत गंदा था, बहुत मतलब इमेजिनेशन के परे वो चीज़ हुई थी। जयपुर की ओल्ड सिटी, ये ऐसे छोटी छोटी गलियाँ, मतलब ये तो LI के आगे क्लब है, गलियाँ मैं दिखाऊँगा। मेरे को इन गली से मेरे गुजरात वाले टूर की याद आ गई, बिकॉज मैंने गुजरात वाला टूर 6,000 रुपये में 5 दिन निकाले थे। तो भाई मैं ऐसे ही फटका था यहाँ पे, और ऐसे मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं फुटपाथ पे सोया था उस टाइम पे, तो मेरे को वो वाली चीज़ें याद आ गई। चल और आ गया तेरा जलमहल तो ये वाला। अच्छा ये क्या जलमहल भाई, आ चुका मैं पहले यार, ये नहीं पता तू कौन सी खिलाई है। चल भाई भीड़ कितनी है भाई, भीड़ देखो यार तुम, बहन जितने छोटे समय कितनी भीड़ है, मतलब पता नहीं ऐसी कौन सी आइसक्रीम का नाम दिया। 15 मिनट तो बनने में लग रहे हैं, मैं आया था हाथों दे देती। गाइस फाइनली टेकन द सोडा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम है क्या है, मेरे तो भाई समझ के बाहर है ये सिस्टम तो क्या है। अरे तो जो गई इसको भी ले लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात है क्या, एक दादा की जमीन ही तो बेचनी है। मजाक गाइस मजाक, अपन अपनी मेहनत से लेंगे। अरे तेरी भाई रे वीडियो चल जाती है अभी। अरे यार सबसे ज्यादा पता है तेरे साथ दिक्कत, अभी टाइम नहीं है सब चीजों की, इन सब चीजों के लिए व्हाट वी आर डूइंग इन सब चीजों। भाई तू कितनी ऊंची करके बैठती है सीट यार, ये मेरी मर्जी। और आगे पूरा तू यार, तू हद है यार, मतलब मेरी क्या गलती, जल्दी चल यहीं पे खा लेते हैं ना, जल्दी जल्दी क्या करना है, खाएंगे तो ये इतना ही रहता है भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई यार, बहुत मोटा और बहुत गजब का सौदा यार। ओए दूसरी चम्मच का है, बोरी बोरी मिल गई मिल गई मिल गई। है कैसे तू बता, उफ ये टेस्ट, मैं भी खिलाने रहे टाइम लगा, लेकिन क्या खूबसूरत हो, क्या प्यारी चीज़ है। मैं भूल गया कि मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग कर रहा था, एक महीने बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आनी है, मैं कटिंग पे चल रहा था, मैं सब भूल गया। अब एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी, कल कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर लेंगे। लेकिन भाई चीज़ तो बहुत अच्छी, हल्की सी गर्म, बिकॉज नीचे बफे ले तो वो थोड़ा गर्म है, बाकी नो डाउट बहुत प्यारी चीज़ है। वो तो कह के एक्स्ट्रा डलवाइए भाई, 25 मिनट वेट किया हम लोगों ने यार, बनता इतना तो भाई।